हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन टेस्टी ट्रीट्स, घर का स्वाद। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी कचौड़ी। गोभी कचौड़ी बहुत ही टेस्टी होता है। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करें। गोभी कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है गोभी, जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब एक पैन गर्म करते हैं। यहाँ पर पैन को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने दें। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून जीरा, 1 पिंच हींग, बारीक कटी हुई प्याज। अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई होने दें। अब आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च डाल रही हूँ। इन सबको मिलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ग्रेट किया हुआ गोभी। स्वाद के अनुसार नमक। अब यहाँ पर मैं 1 स्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ। हाफ स्पून हल्दी पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लें। अब आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसे हम चला लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ता। अब धीरे धीरे गोभी सॉफ्ट हो गया है। 1 मिनट के लिए और इसे हम फ्राई करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब आप देख सकते हैं गोभी सॉफ्ट हो गया है। इसे फ्राई करने में हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगता है। अब यहाँ गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब हम कचौड़ी के लिए आटा गूंथ कर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम गेहूं का आटा। इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ, अजवाइन 1/2 स्पून, 2 स्पून ऑयल। ऑयल या घी कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिला लेना है। अब आप देख सकती हैं सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथकर हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए आटा गूंथना है। अब आप देख सकते हैं आटा हमारा गूंथ कर तैयार है। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। अब इस आटे से मैं छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी, छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। अब आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑयल। इससे कचौड़ियाँ बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉल ले ली हूँ आटे का। अब इस तरह से कटोरी जैसा शेप देना है। स्टफिंग हमारा अब अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पर 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ और फिर इसे लॉक कर लेना है इस तरह से। इस तरह से
एक और मैं आपको दिखा दे रही हूँ। फिर इसमें 2 चम्मच स्टफिंग डाल देना है। चारों तरफ से बंद कर दें। इसी तरह से आपको सारे कचौड़ियों को तैयार करके रख लेना है। अब आप देख सकते हैं सारे कचौड़ियों को मैंने स्टफिंग भरकर तैयार कर लिया है। अब आप इसे डीप फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। लो फ्लेम पर अब एक एक करके हम कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। एक बार में आप 2 से 3 डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं 3 डाल रही हूँ। फ्लेम को लो ही रखना है। 1 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। बीच बीच में चलाते हुए इसे लो फ्लेम पर फ्राई होने दे। अब आप देख सकते हो कचौड़ियाँ कितनी अच्छी से फूल गई है। बीच बीच में चलाते रहें इसे। अब आप देख सकते हैं कचौड़ियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी कचौड़ियों को फ्राई कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा गोभी कचौड़ी बनकर तैयार है। यह बहुत ही खस्ता बना है। एक मैं खोलकर आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप यह कितना खस्ता बना है और स्टफिंग पूरे अच्छी तरह से अंदर तक भरा हुआ है। आप भी ऐसे ही बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।